आज मैं आपके साथ पीता ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको अरबिक ब्रेड के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पीता ब्रेड बनाने के लिए जो सामग्री की ज़रूरत पड़ती है वो इस तरह से है। 200 ग्राम आटा, 300 ग्राम मैदा, 25 ग्राम चीनी, 10 ग्राम सॉल्ट यानी नमक, 15 ग्राम ड्राई हीस्ट, 25 ग्राम मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, 40 से 50 ml कॉर्न ऑयल, 5 ग्राम ब्रेड इम्प्रूवर, 5 ही ग्राम ग्लूटेन लेंगे। अब एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को डो मशीन में ऐड कर देंगे यानी मिला लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप डो मशीन से ही डो लगाएं, आप चाहें तो एक बड़ी सी भगोनी या मिक्सिंग बाउल ले लीजिए, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर इंग्रेडिएंट्स आप सीक्वेंस से डालें, आप कैसे भी मिक्स कर लीजिए सारे। और जो ऑयल है उसको हम सबसे बाद में जब हम डो लगाएंगे तब यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप आसानी से घर पे इसको बना सकते हैं। सबसे पहले धीमी स्पीड पे मिक्स करेंगे जिससे मैदा उड़े नहीं। 40 ml ऑयल ऐड किया है। इस डो को बनाने के लिए करीब 250 से 300 ml पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले 250 ml पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। स्पीड को कम ही रखना है, स्लो स्पीड पे करीब 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करेंगे जिससे सारा डो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसे ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे यानी बढ़ाएंगे। तो स्लो स्पीड में मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं, तो आप देख पा रहे हो डो अभी भी टाइट है। तो इसमें करीबन 50 ml थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी ज़रूरत के हिसाब से ही ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद मशीन की जो स्पीड है थोड़ी सी हाई कर लेंगे। करीब 7 से 8 मिनट के लिए डो को अच्छी तरह से मिक्स होने देंगे। तो आप देख पा रहे हो डो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें 5 ml ऑयल ऐड करेंगे जिससे जो हमारा डो है थोड़ा सा ग्लेज हो और जब हम मशीन से बाहर निकालें तो हमारे हाथ के डो चिपके नहीं। मशीन को स्विच ऑफ कर देंगे और डो को एक बाउल में बाहर निकाल देंगे। तो आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमने ग्लूटेन डाला है जिससे क्या होगा, जो पीता ब्रेड बनेगी उसके अंदर जाली जैसी डिज़ाइन बनेगी। इसको आप चाहे तो जैसे हम पूरी बनाते हैं उस तरह से छोटी छोटी लोइयां बना के बेलन से बेल के भी बना सकते हैं। साइज़ अगर आप छोटी बड़ी जैसा आपको चाहे वैसा आप बना सकते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा यह है आप डो को प्लेटफॉर्म पे फैला के बेलन से या रोलिंग पिन से पतली सीट बना लीजिए, उसके बाद कटोरी से या किसी एक साइज़ के कटर से काट लीजिए जिसे एक साइज़ भी होगी और जल्दी काम होगा। ये मैं अलग अलग आपको तरीके बता रहा हूँ, जो आपको इजी तरीका लगे उसका आप इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आपको एक दूसरे मेथड से पीता ब्रेड की सीट कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। मेरे पास रोलिंग मशीन है तो मैं उसका इस्तेमाल करके एक पतली सीट बनाऊँगा।
ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस मशीन का इस्तेमाल करें, मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर नंबर होते हैं, ऑन करने के बाद जैसे जैसे आपको पतला करना है नंबर आप कम करते जाइए, जिससे डो की शीट पतली होती चली जाएगी। जैसे वो थोड़ी सी पतली हो उसमें मैदे की डस्ट करना है, जिससे उस रोलिंग पिन पे जो मैदा है वो चिपके नहीं। तो इस तरह से शीट को पतला करते रहना है। थिकनेस आपको जैसी पसंद हो उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन पीता ब्रेड के लिए अगर आप मशीन से करते हैं तो 2 या 3 नंबर पे फाइनल सेटिंग कीजिए, जिससे बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अब हमारी करीब करीब ये शीट बनकर तैयार हो गई है, तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल पतली शीट बन गई है। अब इसको कटर से काट के सीट को थोड़ा सा हाथ से उठाना है, जिससे इसमें जो खिंचाव है वो कम हो जाएगा। मैं कटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे सारी पीता ब्रेड एक साइज़ की बने। तो इस तरह से कटर से काटना है और एक बेकिंग ट्रे में मैदे की डस्टिंग करने के बाद सारी ब्रेड्स को उसके अंदर अरेंज करना है, और उसके बाद करीब 40 से 45 मिनट के लिए फर्मेंटेशन होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख लीजिए, जिससे थोड़ी सी फूल जाए। तो ब्रेड को इम्प्रूव करते हुए 40 से 45 मिनट हो गए हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव हो गई है। अब इसको ओवन में बेक करने के लिए डालेंगे। तो ओवन ऑलरेडी प्री हीट है, ऊपर और नीचे इसका टेम्परेचर 201-208 सेट करेंगे और करीब 8 से 10 मिनट के लिए बेक होने देंगे। टेम्परेचर ओवन का आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ओवन का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो आप देख पा रहे हो पीता ब्रेड बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।